गिण के दिल तोड़ती जो टुटते तारे नी रेहानी होने ऐतबार सोनी है रेहानी होने ऐतबार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू फोक। अभी ये हो रहा है टाइम 11 बजे का रात के। नई नई घड़ी बनी है तो नज़र नहीं आती, मुझे नज़र आती है। तो प्लान कोई नहीं है सुबह का, लोग इसलिए अब स्टार्ट करो क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा शोर होता है मेरे घर में, मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता, बहुत ज़्यादा शोर होता है। आपको नॉइज़ भी आती होगी पिछले ब्लॉग में, तो इसलिए अब स्टार्ट करूँ। तो सुबह आपको साथ लेके चलूँगा, जो हुआ आपको दिखाऊँगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो दिखाऊँगा वरना नहीं दिखाऊँगा। तो कोई प्लान नहीं है, सुबह मिलता हूँ ज़रा मैं आपको सुबह उठ के, वैसे सुबह कॉलेज ही जाना है। हाँ तो भाई मैं वापस आ गया था कॉलेज से और अब एनर्जी आ गई है। सुबह एनर्जी नहीं थी बिल्कुल, बिल्कुल लो एनर्जी थी, तो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाया, लेकिन अब यहीं से वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर कोई प्लान करते हैं और फिर चलते हैं थोड़ी देर तक, तो अभी तो धूप होता है तो थोड़ी देर। जैसा कि आप लोग पीछे सुन सकते हैं और आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, मेरा मोहल्ला ही ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, हर टाइम कोई ना कोई गली में खेल रहा होता है तो शोर होता ही रहता है। इसलिए अब मुझे व्लॉग या तो किसी जगह पे जाकर रिकॉर्ड करना पड़ता है या तो फिर आवाज़ वगैरह बंद करके, सारा कमरा बंद करके फिर करता हूँ। तो अभी यहाँ ऊपर मैं छत पे हूँ कि आवाज़ ना आए, और यहाँ भी आ रही है, हर कहीं आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैनेज करूँगा जितना एक हुआ, थोड़े दिन तक माइक ले लेंगे यार। वैसे हेयर कट भी करवाना है मैंने, क्योंकि कॉलेज वाले नहीं रखने दे रहे बाल इतने बड़े, मेरा कॉलेज थोड़ा है डिसिप्लिन में सख्त, तो मैं बाल बड़े रख नहीं सकता। वैसे यार इतनी मुश्किल से बड़े हेयर कटवाने पड़ेंगे, सोच तो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी तो ना कटवाऊँ, क्योंकि ज़्यादा सख्ती होगी फिर कटवाएँगे, हो सकता है ना हो अभी, तो इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करता, अभी नहीं कटवाऊँगा। जब कटवाऊँगा तो फिर साथ में क्लीन शेव, तो फिर एक बार लुक चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यही है जब तक मैं नहीं कटवा रहा। आज मैं आपको टाइम लैप्स करके चांद की मूवमेंट दिखाऊंगा, टाइम लैप्स लगा दूंगा मोबाइल और आपको चांद की मूवमेंट दिखाऊंगा, इस तरह चांद मूव करके जा रहा है स्पीड। अब वैसे नॉर्मल तो नज़र नहीं आता कि चांद मूव कर रहा है, लेकिन जब मैं टाइम लैप्स करूँगा तो आप देखना कि चांद मूव करता है, बहुत ज़्यादा करता है, वो तो पता है करता है, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल हम जा रहे हैं क्या पीने, फ्रेश जूस भाई, ये मेरा कज़न है ये पिला रहा है, तो चलते हैं जरा। तो भाई यही तक थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग थोड़ा हल्का था, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बेहतर होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।